46.7 है टेम्परेचर जयपुर में। और एक ही ग्रीन कलर का बहुत प्यारा ये भी देखो, डार्क ग्रीन कलर है ना, मूंगिया कलर, मूंगिया कलर। ये भी वही 9 मीटर का पूरा घेर है इसके अंदर। अच्छे से फैलाओ इसको, वो इधर लहंगे हो गए ना। तो ये देखो, ये इसमें पूरा 9 मीटर का घेर है। अंदर देखो अस्तर लगा हुआ है इसके अंदर, अस्तर भी है और फ्यूजिंग भी है, फ्यूजिंग वगैरह सब कुछ है पूरा कंप्लीट। और इसमें 3 लेसे लगी हुई है, पिंक कलर की, येलो कलर की, 3 लेसे। अब बहुत प्यारा है इसमें फ्लावर्स। और अभी तो ये ट्रेंड में सबसे ज्यादा ये वाला ही है। कौन से कलर के फ्लावर्स? पिंक कलर के है ना, जो पिंक कलर की लेस लग रही है। अच्छा, फ्लावर्स की तरीके की लेस लगा दी। और इसपे सेम मैंने इसपे जो ये मूंगिया कलर है ना, तो इसपे मूंगिया कलर का ही घाट। अच्छा, घाट है ये, घाट वाली ड्रेस है आज। लो भाई, घाट वाली ड्रेस भी आ गई। कोई कोई डिमांड करता है। हाँ, कईयों को सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, भी कोई ज्यादा नहीं है, रीजनेबल प्राइस रहती है हमारी, रीजनेबल रेट है इसकी, कोई ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग अफोर्ड कर सको। 3 से 4 के बीच में ही मेरी ये वाली ड्रेस रहती है, कॉटन की, और ये वाली ज्यादा महंगी नहीं रहती। और हेवी वाली तो आप सब भी जानते हो कितनी हेवी, तो देखो हेवी तो फिर 500 ऊपर चली जाती है। बट जो मेरी कॉटन की ड्रेस रहती है मिनिमम 3 से 4 के बीच में ही रहती है सारी ड्रेस। तो लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे ऑर्डर कर सकते हो। जल्दी जल्दी कर देना, ये वाला बन जाएगा, ये वाला तो है हमारे पास। चलो इनका क्या करूँ, आप इनको पीछे की तरफ कर दो ना। ये देखो कितने सारे लहंगे हो गए, तो बहुत सारे। अब ये खुद भी कंफ्यूज हो जाएगी जब ऑर्डर्स आएंगे ना, अरे यार कौन से क्या करूं करती रहती है। परेशान हो जाती हूं। फिर इसको आ जाते हैं झुंझड़, फिर ये मेरे पे और मिक्कू पे, पहले तो चिल्लाएगी फिर खुद ही रोने लग जाएगी। एक ये लहंगा था, हाँ ये वाला, एक ये वाला लहंगा था जो ये भी मैंने कंप्लीट नहीं करके दिखाया था पहले वाले ब्लॉग में। अच्छा, तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, वो वाला तो सेल आउट हो गया, ये सेकंड बना है ये वाला, क्योंकि आप अच्छे से दिखाओगे ना। तो ये देखो भाई, पूरा 9 मीटर घेर में सेम ऐसा ही लहंगा बना है। और मैंने इसमें लेस लगाई सेम ओढ़नी, इसकी ओढ़नी भी मैंने चेंज कर दी। अच्छा, तो ये देख सकते हो बहुत प्यारा लहंगा। कौन सा कलर बोलते हैं इसको? ग्रे कलर, ग्रे कलर, पीच कलर के फ्लावर्स है। ग्रे कलर और पीच कलर के फ्लावर्स है, ये पीच कलर के फ्लावर्स है, तो मैंने इस पे पीच कलर की ही लेस लगाई है। पीच कलर की लेस ये वाली, दो लेस है इसमें भी है ना, ये पीच कलर की है ना। हाँ, ऊपर भी तो लेस है ना, लेस तो ये छोटी सी अलग से ऐसी लगाई थी मैंने, और इस पे ये पीच कलर की ही ओढ़नी है। ये देखो इसकी ओढ़नी भी, क्योंकि वो वाली जो ओढ़नी थी वो थोड़ी कम कंट्रास्ट में चल रही थी, वो मस्टर्ड कलर में थी, और जो ये कलर है ये सेम पीच कलर है। अच्छा, ये देखो ये भी बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है, ये वाली अच्छी लगी मेरे को। हाँ, अच्छी लग रही है। तो इसको यही तो बात है, हम रील्स कितनों में बनाए और एक ड्रेस को पहन के दूसरी ड्रेस पहनने में हालत खराब हो जाती है, बहुत भयंकर गर्मी रहती है, और सब मुझे कमेंट में वो बोलते हैं कि दीदी आप वीडियो कैसे बनाते हैं, बनाते हैं बड़ी मुश्किलों से, गर्मी ऐसी प्रचंड गर्मी है, ये सब भी फेल हो गए हमारे। तो क्या क्या दिखाऊं, कंफ्यूज हो गई। दिखाओ धीरे धीरे सब, ये भी, ये भी प्याजी कलर है, आराम से खोल लो। फ
फूंदे गांव में इनको फूंदे बोलते हैं ना। हाँ टेसल्स। वैसे फूंदे बोलते हैं। ये तो किसी के ऑर्डर का है। अच्छा ऑर्डर का है क्या? तो देखो ये तो ऑर्डर का है पर आप लोग बनवा सकते हो ऐसा। आप बनवा सकते हो ऐसा सेम, ये किसी और का है, कमर लंबाई का बना हुआ है। आपको ये वीडियो में ये गहरे दिख रहे होंगे ये फ्लावर्स ग्रीन वाले, पर ये लाइट है बहुत। ये पिस्ता कलर है। पिस्ता कलर आपको हाँ। इसमें ग्रीन दिख रहे होंगे पर ये पिस्ता कलर है इसमें। पिस्ता कलर के फ्लावर्स हैं और ये हल्के हल्के से मैरून कलर के हैं। आपको इसमें थोड़ा सा अलग सा दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला कलर, बाकी आप उससे फोटो ले लेना। फोटो ले सकते हो, अच्छा लग रहा है ये भी। और इसकी सेम ऐसी जो ये थोड़ा लाइट है इसमें मैंने डार्क कलर की ओढ़नी रखी। और इसमें अस्तर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा अस्तर वगैरह सब रेडी। हाँ। मतलब ये लाइट पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर और लेवेंडर कलर की इस पे ओढ़नी है। अच्छा तो ये देखो लेवेंडर कलर की ओढ़नी, लेवेंडर ही है ये का? ये लेवेंडर है। अच्छा हाँ। तो ये देख सकते हो जिसको भी ये वाला चाहिए हो। बहुत प्यारी ड्रेस है ये, अच्छी ड्रेस लग रही है। बस ये फोटो ले लेना आप, ये अगर कोई कंफ्यूज हो इनसे ग्रीन से फोटोज ले लेना। हाँ। ड्रेसों की क्योंकि आईफोन में वैसे सब कुछ चेंज। हाँ। नहीं चेंज हो जाता। तो ये देख सकते हो बहुत प्यारी है। इसको कैम्ब्रिक कपड़ा बोलते हैं। कैम्ब्रिक और एक ये वाला लहंगा है जो सादा लहंगे आते हैं ना उसके अंदर मेरे को इसके जो डिजाइन है ना बहुत प्यारी लगी तो मैंने इसको ऐसे बनवाया। देखो फोन में आ रहा है ऐसे। देखो तो ये देखो किसी को कोई कोई ऐसे रहते हैं ना गांव के अंदर जो भाई हेवी लहंगे नहीं पहन पाता तो ये देखो। तो ये वो सादा जिनको कपड़ा होता कम, है ना प्राइस भी इसकी प्राइस भी कम है इसकी और जो सादा लहंगे का कपड़ा आता है ना। हाँ। उस कपड़े में है ये। अच्छा और वही इसमें पूरा 9 मीटर वही घेरा है क्योंकि ये कलियों में बना हुआ है और कोई चाहे तो चुन्नट में भी बन जाएगा ये लहंगा। वैसे ये कलियों में बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। अच्छा और इसमें ये देखो लेस, ये लेस भी लगी हुई है ग्रीन कलर की इस पे। ग्रीन कलर की लेस लगी हुई है, वो बहुत प्यारा लग रहा है रियल में। तो आप देख सकते डार्क शेड है ये, डार्क शेड ये लाइट ने फोन में लाइट दिख रहा होगा, फोन में लाइट दिख रहा होगा। जितनी मेरी कोशिश हो रही है मैं आपको ये प्रॉपर जो इसके कलर होते हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ये देख सकते हो ये इसका कलर है, मस्टर्ड कलर की ओढ़नी रखी है। अच्छा कोई कोई डेली वेयर वाली ओढ़नी चाहिए वो भी मिल जाएगी इस पे, सादा वो जो बोलते ना जो पिछले ब्लॉग में दिखाई थी मैंने डेली वेयर वाली कशीदो वाली। और वैसे मुझे हेवी लुक चाहिए आपको ये हैवी लुक में ये वाली ओढ़नी आएगी। बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, अफोर्डेबल प्राइस। हाँ, रीजनेबल रेट में होगी ये ड्रेस। तो ये देख सकते हो जिसको भी ये वाली ड्रेस चाहिए वो इसका भी ऑर्डर दे सकता है। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका बजट कम हो वो ये कर सकते। हाँ। बहुत प्यारी ड्रेस बनी और हमारे सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आती और छोटी छोटी चीजें लेते हैं पता है कस्टमर क्या होता है आपको आज बताती हूँ। पता है ऐसे होता है ये हल्का सा मशीन में से ही रह जाती है लेस, हल्की रह जाती है पर इतने लहंगे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है उसमें, तो उसकी भी फोटो खींच के देखो दीदी आपकी सिलाई। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप वैसे तो हम पूरी फिनिशिंग देने की कोशिश करते हैं बट देखो रह ही जाता है कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मशीन थोड़ा सा धागा भी छोड़ देती है तो ये थोड़ा सा इतना सा लेस निकल जाता है ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो उसके लिए आप इतना बड़ा इशू मत बनाया करो कि दीदी आप ये तो इसमें कोई भी बड़े ब्रांड में जाओगे उसमें भी थोड़े बहुत आते हैं, ये सब में ही आते हैं यार, ये तो समझने की बात है। क्योंकि वो फटाफट पूरे लहंगों में घिसता है ना तो इस वजह से हल्का फुल्का रह ही जाता है। वैसे तो हमारी जितनी कोशिश होती है हम फिनिशिंग ही पूरा करके देते हैं और वैसे पूरी सिलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पूरी फिनिशिंग मिलेगी। सिलाई के लिए तो कोई मुझे ऐसे नहीं कहता आपकी सिलाई, बस इस ओनली वीजा के लिए दो तीन लोगों ने मुझे वो हो जाता है कभी कभी हो जाता वैसे है, समझना चाहिए सबको समझना चाहिए। और एक ही गोटा पत्ती में लहंगा है मुझे बोल भी रहे थे लोग
अच्छा। गोटा पत्ती में लहंगा लाओ तो ये मेरा लहंगा, ये मैंने बनवाया है खुद के लिए। ये देखो गोटा पत्ती का लहंगा, जिसको भी चाहिए ये बन जाएगा उनके लिए सेम, बट ये मेरा साइज है 40-41। ये देखो बहुत प्यारा लहंगा, बहुत मेहनत लगी है इसको बनने में। इस पर डिजाइन ये भी बड़ा है, ये क्या हमारे बनाई भी है खुद की ये डिजाइन। हाँ ये खुद की बनाई हुई, ये देखो ये इसकी बॉर्डर की डिजाइन। हाँ, और पूरा इसमें 9 मीटर घेर है, आप देख लो, आप देखो कितना बड़ा तो घेर है इसमें, बहुत प्यारा लगा। और इस पे ओढ़नी, और इसमें 6 इंच की बॉर्डर है, अस्तर लगा हुआ है, अस्तर लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हो ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो वैसे आप और अपनी अकॉर्डिंग भी इस पे ला सकते हो। हाँ, कुछ इस पे अगर आपको हरा पीला चाहिए तो मैं बनवा दूंगी आपके लिए, और आपको जो फाइनल लुक देखना होगा ना आप रील में देखना, मैं देखना कितना प्यारा लगेगा, आप रील्स देखना। और ये मेरी ड्रेस है, बस आप है कि आपको चाहिए तो आपके लिए सेम सेम बनवा, ये लहंगा भी बन जाएगा सेम 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 लहंगा भी बन जाएगा। और ये इसकी मैरून कलर की होगी। आप जो खुद के लिए बनाते हो ना वो तो लोग बाग लेते ही लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी पसंद अच्छी है जिसको भी चाहिए हो। कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इसकी डिजाइन। हाँ डिजाइन और ओढ़नी भी सेम कलर की आप देख सकते हो। और इसकी प्राइस क्या रहेगी? वैसे रीजनेबल ही ठीक, तो आप पूछ सकते हो। पूछ लेना मुझे, बस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना ये, और जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लेना, क्योंकि हाँ ये कपड़ा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। जैसे ही वीडियो डले, वीडियो देखो आप, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैंने धोती लेंगे शादियों के लिए, क्योंकि अभी इस गर्मियों में तो मैं गर्मियों में तो कोई की, और जो अक्टूबर नवम्बर की शादी आएगी ना उसमें। अच्छा, मैंने 3-4 ड्रेस इकट्ठी कर ली, और वो पीछे रखा है जो पिंक। हाँ ये तो रहेगा, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसे ऑर्डर कर लेना, क्योंकि फिर जब सीजन आता है तब फिर मिलता नहीं है माल, तब बनेगा। हाँ क्योंकि मैं अभी पहले ही बनवा ले, मैं तो ऐसे कहता हूँ जो भी है कस्टमर आपके कि पहले ही बनवा के रख लो। हाँ मैं एडवांस है ना, सेलेक्ट जो होता है ना उसको अलग अलग कर करके रखती हूँ। चलो तो दूसरा दिखा, बना के। और ये बहुत प्यारे मेरी है ना। हाँ और ऐसी बॉर्डर आएगी बाजू के लिए, तो ये देखो ब्लाउज की बाजू के लिए ये वाली बॉर्डर। मैंने एक कस्टमर को सेम ऐसा लहंगा बना के दिया था ब्लैक कलर का। अच्छा, मैं उसकी स्टेटस इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी, आप देख लेना। और ये ऐसे 1 मीटर ब्लाउज इसका। अच्छा, ये बाजू में लग जाएगा। तो आज का ये लास्ट भी बन के आए, ये टुकड़े भी मेरे पास पड़े। लास्ट है आज का ये लास्ट है। आज हेवी हेवी बहुत सारे हो गए आज। आज हेवी ड्रेस यही थी। अच्छा, सबसे हेवी ड्रेस यही है आज की, सबसे हेवी ड्रेस एक ही पिंक कलर के, बहुत सुंदर। ये मैंने एक ब्लू कलर का लहंगा पहना था। हाँ, मैंने वो मटकिया लेके पनिहारिया वाला है ये सेम, वो निकल गया आपका? मेरा तो रखा है। अच्छा, उसका एक पीस था जो निकल वो आए थे क्या उसके ऑर्डर पनियारी वाले के? हाँ, पर मैं मेरा नहीं दिया मैंने, क्योंकि फिर सिलेक्टेड पीस रहता है जो एक एक ही रहता है, वो दोबारा मिलते भी नहीं। तो ये देखो ये इस बार कौन सी एक्ट्रेस है इन पे? ओहो, ये बैठी बैठी कोई क्या बजा रही है, पंचायती कर रही है, देख सकते हो सारंगिया बजा रही है। देखो कितना प्यारा लहंगा है ना। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पिंक कलर का। इसके अंदर पूरा 11 मीटर घेर है, जैसे उस वाले लहंगे में 12 मीटर घेर था मेरे ब्लू वाले में, वैसे ही सेम इसमें 11 मीटर घेर है।
और इस पे सेम इसी कलर की ओढ़नी है। इसका भी मैं कभी छांव होएगी थोड़ी गर्मी कम होने दो। आप इसमें भी रील्स देख सकते हो। मुझे खुद को अच्छा लगता है रील्स वगैरह बनाना, बट फिर भी गर्मी को देख के मैं नहीं, तबीयत खराब हो जाती है ना वैसे ही। तो ये देख सकते हो पूरा ऑल ओवर पिंक पहनोगे तो बहुत सुंदर ड्रेस लगेगी। ये ओढ़नी लहंगा दोनों पिंक। जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी लग रही है। जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। अब इतना सारा स्टॉक है कि आप सोच सोच के ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डर लिखा जाता है नोटबुक में, तो छोटी सी बुक है उसमें मैं सबके ऑर्डर वगैरह लिख लेती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, और आप बताते रहा करो मुझे कैसे कैसे ड्रेस लाने, कमेंट्स में सजेस्ट किया करो। अगर आपको हेवी में चाहिए, जैसे पूरा टोटली हेवी वाला ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपका हेवी वाला भी ले आऊंगी और नेक्स्ट ब्लॉग हेवी हेवी में बनाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में लो चलो हेवी। हाँ। आ जाना सब, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। मैं हेवी हेवी पूरे लेंगे हेवी। तो आज के लिए इतना ही था, बस इतना ही है। तो आप देख सकते हो इतना सा है कि इतना सा तो नहीं है, बहुत सारा हो गया। इतने पैसे तो चलो आज के लिए बाय, राम राम, बाय, गुड नाइट। रात के बज रहे 12 जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप देख सकते हो मेरी मेहनत। राम राम सा। चलो बाय, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ। और जल्दी जल्दी ऑर्डर भी करो।